नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में स्टेशन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर किसानों ने जमकर हंगामा कर दिया। इन किसानों का आरोप था कि किसान अजय का दूसरे बैंक के साथ विवाद था। उस बैंक के खिलाफ कोर्ट में केस चलने के बावजूद दूसरी शाखा ने किसान के गन्ने की पेमेंट को रोक लिया, जिसके बाद किसान बैंक के बाहर धरने पर बैठ गए। रेलवे स्टेशन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर किसानों ने जमकर हंगामा किया। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसान यहां पर पहुंचे और बैंक के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। इन किसानों का आरोप था कि भगवानगढ़ निवासी अजय कुमार का दूसरे बैंक के साथ विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उसने रेलवे स्टेशन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में हाल ही में 5 लाख रुपये जमा करवाए थे। यही नहीं, दूसरी तरफ शुगर मिल से इस किसान के गन्ने की पेमेंट भी आई थी, लेकिन जब अजय कुमार अपने पैसे निकलवाने के लिए बैंक पर पहुंचा तो बैंक ने उनके पैसे देने से साफ मना कर दिया। इसको लेकर अजय कुमार ने किसान यूनियन से बात की और किसान यूनियन के लोग आज बैंक के बाहर पहुंचे और हंगामे के बाद बैंक के बाहर ही बैठ गए। हालांकि इस बीच कुछ किसानों ने बैंक के दरवाजे को भी बंद करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी। अजय की माने तो उसकी मां काफ़ी बीमार है और वो उसके इलाज के लिए जब पैसे लेने के लिए बैंक पर पहुंचा तो बैंक ने उसके पैसे नहीं दिए। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक की दूसरी शाखा के साथ पैसे के लेन देन को लेकर अजय का विवाद चल रहा था और वो मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ था, लेकिन बैंक की ओर से पैसे फ्रीज कर देने को लेकर किसान धरने पर बैठ गए हैं। किसान नेता साफ कह रहे हैं कि वो तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक किसान साथी के पैसे उसे नहीं मिल जाते। तो दूसरी तरफ मौके पर पहुंची यमुनानगर शहर थाना SHO कमलजीत ने मामले को सुलझाने को लेकर बैंक के आला अधिकारियों से बात की, लेकिन बैंक मैनेजर इस मामले में संबंधित अधिकारियों से बात करने के बाद ही कोई हल निकालने की बात कह रहे हैं। जगाधरी से हमारी संवाददाता गुरप्रीत कौर की रिपोर्ट। जी, क्या कुछ पूरा मामला हुआ है? ये किसान का सेविंग के खाते से जब अपने पैसे निकालने के लिए आया तो ये बोला भाई, मैनेजर साहब बोले भाई तेरे दूसरे बैंक में लोन है और वहाँ उसका पहले ही केस चल रहा है कोर्ट में और 8 एकड़ जमीन भी उसमें प्लज हुई है। वो सेविंग के खाते से पैसे मना कर रहा है, सेविंग के खाते से पैसे मना नहीं कर सकता। और आज भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यहाँ धरना है और अगर 1 घंटे का टाइम मांगा था अब 1 घंटा भी पूरा हो गया। अब हम अपना जो हमारी कार्रवाई होती है पूरे हरियाणा में, जो भारतीय किसान यूनियन अगर भारतीय किसान ना तो बैंक हर रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा बैंक वाले ऐसा करते हैं। और अभी पैसे भी लेके जाएंगे आपके सामने, यही बैठे हैं और ताला लगाएंगे। और मैनेजर का टाइम पूरा हो गया, जिन्होंने 1 घंटे का टाइम मांगा था, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। सब किसानों पे काम है, आज अपने पैसे लेके जाएंगे जो उस खाते में हमारे पैसे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।